युवा अवस्था में एक्ने पिंपल्स होना एक आम बात है। यदि आपके एक्ने पिंपल्स किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद में भी, कई सारी मेडिसिन खाने के बाद और कई तरह की क्रीम्स लगाने के बाद में भी आपके एक्ने पिंपल्स ठीक तरह से नहीं जा रहे हैं या इजीली नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको फंगल एक्ने की प्रॉब्लम हो। आज हम फंगल एक्ने के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश शाक्य है और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। फंगल एक्ने मेडिकल भाषा में उसको मेलेसिजिया फेलिकुलाइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये बीमारी मेलेसिजिया नाम के फंगल के कारण ही होती है। ये एक तरह का ईस्ट होता है और इसमें होता क्या है, हेयर फोलिकल्स निकलते हैं, हेयर फोलिकल्स में ऑयल निकलता है और उस जगह पर यदि धूल मिट्टी या किसी प्रकार की गंदगी फंस जाती है तो उसमें जो बैक्टीरिया और ईड्स होते हैं ना, वो इकट्ठा होने लगते हैं और ये एक तरह का फंगल होने लगता है। ये छोटे छोटे लाल कलर के उभरे हुए दाने होते हैं, जहाँ पर ये दाने हुए वहाँ पर इन्फेक्शन होने लगता है। इसी इन्फेक्शन को हम एक्ने बोलते हैं, बट ये एक्ने नहीं होते हैं, ये एक तरह का फंगल एक्ने होता है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। इनके लक्षण या पहचान के बारे में बात करें तो ये 13-14 साल से लेकर युवा अवस्था तक बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और ये फीमेल की अपेक्षा मेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका साइज जो ए होता है वो एक ही तरह का होता है और इसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। यदि ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसमें पेन हो रहा है, सिस्ट है या फिर किसी प्रकार की पस है, तो वो फंगल एक्ने नहीं है, वो एक्ने ही है। इस तरह से भी उसकी पहचान की जा सकती है। हेयरलाइन जहाँ पर है वहाँ पर एक्ने पिंपल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर फंगल एक्ने ही होगा। तो यदि आपको फोरहेड पे है तो वो फंगल एक्ने है। ये बालों के साइड में, इधर गर्दन में है, बालों में है, सर में है, अगर आपको एक्ने हो रहा है तो वो फंगल एक्ने है, एक्ने नहीं है। और आपके चेस्ट पे है, बैक में है, वो भी आपको फंगल एक्ने ही है। तो इस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। यदि इसके कारणों के बारे में बात करें तो जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो उनको फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनकी स्किन में ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयल सीक्रेट ज़्यादा होता है, उनको भी फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे भी फंगल एक्ने ही नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी उसको संक्रमित कर सकती है यदि आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तो। और जो व्यक्ति स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हैं या जिन्होंने स्टेरॉइड मेडिसिन ली है, उनको भी फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ करते हैं या एंटीबायोटिक दवाएं बदल बदल कर लेते हैं, उनको भी फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उन व्यक्तियों को भी फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह की सावधानियां बरतेंगे तो वैसे भी आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। इसकी मेडिसिन के बारे में बात करें तो एंटी फंगल जो शैम्पू होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबॉडी वॉश वगैरह भी आते हैं, एंटी फंगल जो वॉश होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी आती हैं एंटी फंगल के लिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। और कई प्रकार की एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके एक्ने पिंपल्स आसानी से नहीं जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो एक्ने फंगल हो, तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, जो स्किन वाला डॉक्टर होता है उसको दिखाएं, ताकि आपकी इस तरह की समस्या का निराकरण हो सके। और वैसे भी बिना डॉक्टर की सलाह से तो किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके मिलने वालों में, रिश्तेदारों में और फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जानकारी और लोगों को भी मिल सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।